सर मैं अभी फिलहाल गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ रेलवे में। सर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक साल पहले मतलब सितंबर मंथ के अंदर में सर कुछ ऐसे बॉडीज के अंदर में चेंजेस आ चुके थे जहाँ पे सर बहुत सारी स्वेलिंग आ रही थी बॉडी के ऊपर, चेहरे के ऊपर, मतलब पूरा चेहरा उतरा हुआ था, पैरों में क्रैम्प आ रहे थे, बाल तो सर बहुत इतने झड़ रहे थे कि मैंने कभी ऐसा जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया था, इतने बाल झड़ रहे थे। और काफी सब लोग बोल रहे कि तू अच्छी दिख रही है। मैंने बोला कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तकलीफ मुझे हो रही है और लोगों को मैं अच्छी दिख रही हूँ, तो मतलब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एंड सर मैं डॉक्टर के पास में गई, उन्होंने कुछ 3-4 रिपोर्ट्स निकाले हुए थे मेरे। तो सर जब रिपोर्ट्स निकाले थे तो पता नहीं था सर कि ऐसा भी कुछ, मतलब मैंने मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम, मैं कह सकती हूँ सर कि मैंने थायराइड नाम का वो नाम उस समय पे सुना था। तो सर थायराइड हो गया करके उन्होंने बताया। एंड थायराइड हो गया मतलब वो भी ऐसा नहीं कि नॉर्मल, चलो 0.2 से या फिर 3-4 ऐसा बढ़ता है, सर नॉर्मल 5 के अंदर में होना चाहिए। एंड सर वो जब बड़ा सर तो वो मेरा 164 अबाव के ऊपर था। सर ये एक्सपीरियंस इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ सर क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज से जूझ रहे हैं। काफी सारे मतलब बहुत अपने दिमाग में बहुत सारे ख्याल ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं इस चीज के बारे में। सर उसी समय पे सर जैसे डिटेक्ट हुआ उसके 2 दिन के बाद डॉक्टर ने तो यही कह दिया था सर कि आपको जिंदगी भर टैबलेट खानी पड़ेगी और इस चीज को नॉर्मल होने के लिए कम से कम 12 से 14 महीने डेफिनेटली लगेंगे। सर सिर्फ थायराइड मेरा बड़ा नहीं था, वो थायराइड की वजह से, वो कहते हैं ना सर डॉक्टर की अगर एक चीज हो गई तो उसके वजह से आपको वो एक चीज अगर ज्यादा बढ़ गई तो वो और भी बीमारियों को इन्विटेशन देता है। एंड सर यही चीज हो गई थी मेरे साथ कि मेरा कोलेस्ट्रॉल भी सर 200 के पार चला गया था, इवन मेरा लीवर पे स्वेलिंग आई थी, GOT GST भी मेरा बढ़ गया था। Give me a second. What was your age then? सर अभी मेरा 27 है। And that's when it all happened. यस सर। Please carry on. यस सर। तो सर मैं ना वहां पर रो रही थी। फिर मेरे मतलब मेरे एक फ्रेंड थे साथ में, उन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं, चलो अपन एक फंक्शन में जाते हैं। सर वहां पे मैंने आपको विटनेस किया था। एंड सर वहां पे आपने सी बकथॉर्न के बारे में काफी अच्छे से बताया। मैंने बोला चलो यार क्यों ना अगर इस चीज को भी टैबलेट तो चालू रखूंगी जो डॉक्टर ने दिया है, उसके साथ मैं सी बकथॉर्न भी लेती हूँ। सर मैंने सी बकथॉर्न, टर्मरिक ऑयल जूस और पंचतुलसी रेगुलर सुबह शाम लेना चालू किया। उसके साथ मैंने टैबलेट भी लिया सर रेगुलर 3 मंथ। एंड सर रेगुलर 3 मंथ वो टैबलेट लेने के बाद सर जब मेरी रिपोर्ट निकाली गई थी सर बताती है बहुत मतलब वो डॉक्टर भी शॉक हो गए थे। और फिर से रिपोर्ट निकाली सर, सेकेंड टाइम फिर से रिपोर्ट निकाली क्योंकि वो यकीन ही नहीं कर रहे थे कि कहाँ पे 164 अबाउ मेरा थायराइड था। एंड सर वो सीधा का सीधा 4.86 पे आया हुआ था जहाँ पे डॉक्टर ने कहा था कि आपको 12 से 14 महीने लगेंगे, वहां पे वो 3 महीने के अंदर में सर मेरा रिपोर्ट था। एंड सर थायराइड की वजह से मेरा 12 kg वेट एक्स्ट्रा हो गया था, मतलब 70 kg वेट हो गया था। सर वो 3 महीने के अंदर में मेरा 58 kg वेट था। मैं दिख भी अच्छी रही थी, जो स्वेलिंग थी वो पूरी निकल गई थी, क्रैम्प आना सब कुछ, मतलब सब कुछ मेरा नॉर्मल हो गया था सर। एंड सर बताते हुए अभी एक लास्ट में बता रही हूँ सर, बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि लास्ट 9 महीने से सर मैं सच बता रही हूँ सर, मैं कोई भी टैबलेट नहीं खाती, कुछ भी नहीं, ना कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, ना थायराइड के ऊपर, ना किसी भी चीज के ऊपर। अपना प्रॉपर डाइट फॉलो करती हूँ और सी बकथॉर्न, टर्मरिक ऑयल जूस और पंचतुलसी रहती हूँ सर रेगुलर। सर अच्छा लगता है कि मेरा थायराइड पूरा का पूरा नॉर्मल इस पे है, मतलब मुझे ऐसा मैं दिमाग में लाती हूँ नहीं सर मेरे को थायराइड है करके। एंड सर कोलेस्ट्रॉल डॉक्टर ने बोला था मटन नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, बहुत सारी चीजें सर मैं कोई कुछ किसी भी चीज को फॉलो नहीं है, सब खाती हूँ, एंजॉय करती हूँ, एकदम फिट और एकदम बहुत अच्छी हूँ सर। सर ये सब कुछ क्रेडिट जाता है सी बकथॉर्न, अर्जुन खन्ना सर, बायोशेष कंपनी को सर। थैंक यू सो मच। वंडरफुल।